नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को बनाने और बर्बाद करने में नारी का हाथ होता है। दोस्तों, नारी चाहे तो किसी को बर्बाद कर सकती है और चाहे तो किसी को भी आबाद कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर नारी को लक्ष्मी माना जाता है। दोस्तों, नारी भी उस घर को अपना स्वर्ग मानती है। वैसे चाणक्य जी ने लिखा है कि जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घर की महिलाओं के लिए चाणक्य की नीति के अनुसार कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिन्हें अपनाकर वे अपने घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकती हैं। दोस्तों, चाणक्य जी के अनुसार नारियां घर की ऊर्जा की मूल स्रोत होती हैं और ज़्यादातर महिलाएं ऐसे नहाती हैं तो उस घर में गरीबी आना स्वाभाविक है। जी हाँ दोस्तों, वह किस तरह नहाना है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का बटन है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का ज्ञानवर्धक वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि महिलाओं को घर में क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, घर की अवस्था का रख रखाव और खास ख्याल। दोस्तों, वैसे तो सभी अपने घरों को साफ रखना पसंद करते हैं। दोस्तों, कभी कभी घर में दिखने वाली सफाई से भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाएं घर में स्वच्छता का खास ख्याल रखें, क्योंकि घर की सफाई सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। दोस्तों, इससे घर में ज़्यादा चमकीला और कीटाणु रहित होने के साथ साथ यह खुशहाल जैसा प्रतीत होता है। इसलिए घर में सफाई का खास ख्याल रखा जाना चाहिए और सफाई के लिए तुरंत बाद महिला को स्नान करना बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों, चाणक्य जी के अनुसार हम सभी स्नान करते हैं क्योंकि स्नान करने से तन और मन स्वस्थ होते हैं और शरीर स्वच्छ बना रहता है और दिन भर ताज़ा महसूस होता है। लेकिन महिलाएं अक्सर घर की सफाई करने से पहले स्नान करना पसंद करती हैं, जो कि एक गलत बात है। दोस्तों, दरअसल महिलाओं को सफाई करने के तुरंत बाद नहाना चाहिए जिससे तन मन स्वच्छ होता है और नया काम करने से सकारात्मक ऊर्जा शरीर में जाती है। इसके बाद दोस्तों कि खाना बनाने से पहले नहाना। चाणक्य जी के अनुसार शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी भोजन से मिलती है और चाणक्य जी की नीति में कहा गया है कि इसके अलावा चाणक्य जी ने कहा है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि आप खाना बनाने से पहले नहा लें। दोस्तों, नहाने के बाद खाना बनाने पर खाना ज़्यादा स्वस्थ बनता है और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। दोस्तों, इससे यही खाना आपके लिए ज़्यादा पोषक और भरपूर होता है। दोस्तों, खाने से पहले भोग लगाना। दोस्तों, चाणक्य जी के अनुसार खाना खाने से पहले भोजन भगवान गाय और कुत्ते को कराना चाहिए, इससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, चाणक्य जी की नीति के अनुसार भोजन बनाने के बाद खाने से पहले अपने देवी देवताओं को भोजन का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, इससे देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं और घर में शांति बनी रहती है और हमेशा परिवार सुख समृद्धि से भरा रहता है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कंघा करना। दोस्तों, दरअसल महिला को देखा गया है कि कभी भी किसी पार्टी या शादी में जाने से पहले सज धज कर जाना पसंद करती है। दोस्तों, वैसे भी पार्टी और शादी हो या फिर कोई कार्यक्रम हो, हमेशा शाम या रात को होते हैं। दोस्तों, ऐसे में महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने बालों पर ध्यान देती है, जबकि चाणक्य की नीति के अनुसार सूर्यास्त के बाद स्त्री को कंघा करना शुभ नहीं माना जाता। शाम के समय कंघे से देवी लक्ष्मी नाराज होती है, तो स्त्रियों को हमारी सलाह है कि शाम के समय कंघा हरगिज भी ना करें। चिड़चिड़ापन और बार बार गुस्सा करना। दोस्तों, घर की शांति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी माना जाता है कि घर में हर सदस्य को शांत और सुख से रहना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, वैसे भी शांति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि घर की महिला का शांत और खुशी रहना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, वैसे भी गुस्सा करना और चिड़चिड़ापन घर में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है। दोस्तों, खासकर महिलाओं को बार बार गुस्सा करना घर में अशांति फैला देता है। इसके बाद दोस्तों, तिजोरी का दरवाज़ा खुले में उत्तर दिशा में। दोस्तों, घर की खास लक्ष्मी यानी पैसा सभी तिजोरी में रखना पसंद करते हैं, जबकि कई लोग बिना शास्त्रों की जानकारी में तिजोरी को कहीं भी रख देते हैं, लेकिन यह एक गलत बात है। दोस्तों, दरअसल आप भी तिजोरी को रखते हो तो उसका दरवाज़ा उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। दोस्तों, तिजोरी में कुबेर देवता की फ़ोटो रखने से धन में लाभ होता है। इसके साथ ही ध्यान रखिए कि आपकी तिजोरी तेज़ रोशनी के ठीक सामने ना हो। आपकी तिजोरी के सामने एक दर्पण लगाने से आपके धन में दोगुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, कि घर के बीच का हिस्सा।
दोस्तों चाण के नीति के अनुसार घर के बीच का हिस्सा बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पर सिर्फ आप मंदिर बनवा सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो सिर्फ इस जगह को स्वस्थ रखें, और फिर भी आपकी इच्छा हो तो घर के बीच के हिस्से को एक ऊंचाई बनाकर वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए। यह परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों यह तो थे आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार कुछ ऐसे उपाय जिसे आप करके अपने घर को सुख समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आप रोजाना ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें।